हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सबको। ये है, आज मैं बनाई हूँ इमली की टेस्टी टेस्टी सी चटनी, जो कि हम 15 से 20 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं आराम से। तो ये देखिए, मैंने इसके लिए इमली लिया है। इमली मेरी है 100 ग्राम। तो मैं इसको देख लिया था, मैंने इसमें कुछ है नहीं, साफ़ है। फिर मैं इसको थोड़े गुनगुने पानी में भिगा के छोड़ दूँगी। तो इसको मैंने भिगा के छोड़ दिया है। पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, गुनगुना ही होना चाहिए, ताकि ये जल्दी से फूल जाए। तो इस तरह मैंने इसको भिगा के 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था, ढक के रख दिया था। इसके बाद देखिए, 2 घंटे हो चुके हैं और अब मैं देखती हूँ। तो अब ये पूरी तरह से फूल गया है। अब इसका आराम से निकल जाएगा, इसका जो पल्प होता है वो निकल जाएगा, बीज अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे कर करके देखिए, इसको हम मसल के निकालेंगे ताकि ये अच्छे से निकल जाए उसमें से। उसके बाद हम इसको छान लेंगे छन्नी से। तो इस तरीके से देखिए, सब एक निकल जा रहा है ना, ऐसे फूल सा गया है। तो तभी अगर आप थोड़ी देर में इसको निकालो तो नहीं निकलता है, वो सारा नहीं निकल पाता है। और इस तरीके से गुनगुने पानी से ईजिली निकल जाता है। और ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। इसको आप कचौड़ी के साथ खाओ, समोसे के साथ खाओ, या किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो सबसे ज़्यादा कचौड़ी के साथ बेहद टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, अब मैं इसको ऐसे निकाल लूँगी। ऐसे तो मैंने ऐसे हाथों से ऐसे मसल लिया था अच्छे से। इसके बाद अब मैं इसको छान लूँगी छन्नी से। तो छन्नी से छानने से जितना भी उसका पल्प होगा निकलता जाएगा। और अब फिर अगर फिर और बचता है तो हम उसको और निकाल लेंगे पानी डाल के। पानी डालने से उसका वो निकलता जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और बस इसके बाद ऐसे इस तरीके से करते करते मैंने सब निकाल लिया। ऐसे देखिए, इस तरीके से करते हुए चम्मच की सहायता से, और जो भी उसका रस था वो निकल जाएगा। इस तरह से सब निकलता जाएगा। फिर और अभी उसमें बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो हम उसमें भी और पानी डाल के छन्नी में और सब निकाल लेंगे। इस तरीके से देखिए, ये एकदम साफ़ हो गया, वो दिखने लगा। और हमारा इतना बन के तैयार है, पूरा भरा हुआ है और ये पूरा बीज वगैरह निकल गया। अभी हम क्या करेंगे, एक पैन रख लिया मैंने, तेल गरम कर लिया। अब उसमें मैंने सबसे पहले जीरा डाला है, उसके बाद वो थोड़ा फ्राई हो गया तो सौंफ डाला। अब मैं एक गुड़ डाल रही हूँ, तो 1 कटोरी से भी कम गुड़ है ये। तो ये देखिए, ये गुड़ की एक डली थी बड़ी सी, उसकी आधी डली ले लिया मैंने। और अब इसमें तुरंत के तुरंत वो मेल्ट होने लगता है, तो हम पानी डाल देंगे इसमें, ताकि वो जलने ना लगे नीचे से, और आँच कम रखेंगे। तो इसके बाद हम इसमें चीनी भी डालेंगे। तो मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। अभी ये काला नमक है। इसके बाद थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी मिर्च। इसको हम चला लेंगे ऐसे, कलर आता है उससे बहुत अच्छा, इसलिए डाला मैंने कश्मीरी मिर्च। और अब इस तरीके से धीरे धीरे इसको पकने देंगे। और फिर हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे टेस्ट के लिए। और मैंने डाला है इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये इमली की चटनी जो होती है, ज़्यादा मिर्च डालो तो बहुत तीखी लगने लगती है। अभी थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, सफ़ेद वाला जो हम रेगुलर यूज में खाते हैं वो। और इसको अच्छे से चलाते हुए पका लेना है। इसके बाद जब एक उबाल आ गया ना, तो हम इसमें ये डाल देंगे इमली का जो हमने पानी बना के रखा है ना, वो डाल देंगे। अब हम इसको पका लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले तो एक उबाल आने तक आँच तेज रखेंगे। इसके बाद जब उबाल इस तरह से आ जाए, तो आँच एकदम कम करके हमको इसको लो फ्लेम पे पकाना होता है। 15 से 20 मिनट, कभी कभी 25 मिनट भी लग सकता है। कि धीरे धीरे पकाओ तो बहुत अच्छा बढ़िया सा बन जाता है वो। देखिए, अभी कलर चेंज हो रहा है इसका, पकते पकते भरा था ना, आधा से भी कम बच गया ये देखिए, और थोड़ा गाढ़ापन आ गया। तो इस तरीके से हम चेक करते रहेंगे बीच बीच में। और आप मतलब आप कम आँच करके और भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखिए, कुछ अब ये हमारा देव जब हम देखें गाढ़ा हो चुका, हम उसको उतार के रख लेंगे नीचे। अब मैंने उसको ठंडा करने को रखा। उसके बाद देखिए, ये ठंडा होने के बाद कितना बदल गया ये। तो आधे आधे घंटे बाद मैंने देखा था कुछ इस तरह का हो गया। हमारी चटनी तैयार है। तो अब मैं इसको, ठंडा हो चुका है तो मैं इसको एक कांच के बाउल में भर के रख लूँगी फ्रिज में। और ये 20 से 25 दिन तक चलेगा आराम से। हम कोई भी कचौड़ी समोसा वगैरह बनाएंगे उसके साथ ये चटनी मस्त लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। इसको आप
ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें दोस्तों। अब मैं इसको रख लूँगी फ्रिज में, और बाहर आप रख के एक हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं, फ्रिज में तो 20-25 दिन चल जाएगा। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों।